हाँ हाँ रामेश्वर यूँ जाओगे ना हाँ वो जीना खड़ा है से वो जाना सुदामा और कृष्ण मिलते हैं उसी तरीके से। उन्होंने बुलवाया अपने दरबार में मुझे सुदामा और कृष्ण की तरह मिले। महंगाई के इस दौर में एक शख्स महंगाई का चेहरा बन गया है। क्यों? क्योंकि अब उसका घर नहीं चल रहा है और वो नाम है रामेश्वर, जो कि कासगंज के रहने वाले हैं। और चर्चा अब इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि राहुल गांधी ने न केवल इनसे मुलाकात की है बल्कि इनके मौजूदा हालात के बारे में बाकायदा जाना है, इनके साथ लंच भी किया है। और इसीलिए क्या बातें हुई इनके बीच में राहुल गांधी के साथ, क्या इन्होंने कहा और क्या बातें हुई और उन्होंने इनको क्या आश्वासन दिया, इसी को लेकर के हम आज इनसे बात करने के लिए आए हैं और इनसे पूछेंगे वो सारी बातें कि कैसे इनका सफ़र यहाँ से शुरू हुआ और राहुल गांधी तक पहुँचा और राहुल गांधी के ने इन्हें क्या आश्वासन दिया और आने वाले समय में और क्या क्या इनके लक्ष्य हैं और क्या क्या बातें इन्होंने की हैं, उसी को लेकर के हम आज इनसे बात करने के लिए आए। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, आप तो अपने काम में मस्त थे। हाँ मैं तो काम में मस्त था। आप अपने काम में मस्त थे तो कल जो है आपको कल गए थे आपको परसों गए थे आप? मैं मेरे ख्याल से अतरसों गया था। राहुल सर ने मेरे लिए गाड़ी भेजी थी। अच्छा हाँ, जैसे जैसे सुदामा और कृष्ण मिलते हैं उसी तरीके से। उन्होंने बुलवाया अपने दरबार में मुझे और बाकायदा सुदामा और कृष्ण की तरह मिले मुझसे, बिल्कुल हकीकत में। आपने बहुत बड़ी बात कही कि सुदामा और कृष्ण मतलब द्वारिका द्वारिकाधीश से मिलने जो है आपको भेजा गया कि सुदामा पहुंच रहे हैं। तो फिर मेरा मिलन उसी तरीके से हुआ और बहुत अच्छा हुआ, मेरा जीवन भी धन्य हो गया। अच्छा इतने बढ़िया आदमी थे, यानी दर्द जैसे डॉक्टर की तरह दर्द देखते हैं, कहाँ दर्द है कहाँ नहीं है, कहाँ मलहम लगना चाहिए और कहाँ नहीं लगना चाहिए, इस तरीके से मेरा दर्द पूरे जिस्म का टटोल लिया उन्होंने। उन्होंने कहा और आपने कुछ कहा, आपसे पहली मुलाकात उन्हीं के घर में गए और हाँ, किसी से मुलाकात हुई कि केवल राहुल जी से, मम्मी से नहीं मिली? उन्हीं से बातचीत हुई थी। सोनिया गांधी जी नहीं थी घर में? ऐसा है, उनसे मेरी मोबाइल से बात हो गई थी। अच्छा उनसे मोबाइल से बात हो गई, मोबाइल से बात कराई उन्होंने जो सोनिया दीदी है उनसे मेरी मोबाइल से बात हो गई। अच्छा उन्होंने कराई? नहीं नहीं उन्होंने भी कराई थी, यहाँ भी कराई थी, उनके जो पीए हैं संदीप भाई संदीप साहब उन्होंने कहा कि ये लो आपसे सिस्टर बात करना चाहती हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल करूँगा, ये मेरा सौभाग्य है, दीदी से बात करूँगा। मेरी बेटी ने भी बात की थी, मैंने भी बात की। वहाँ खाना आप तो सामान्य खाना खाते हैं, आपके घर का जो आप अपने बेचते हैं उसी सब्जी में से लेकर के आते हैं अपने घर में बनता है? उनके यहाँ तो हमें खाना देखे हमारी तो आंखों की चमकी चली गई थी, हम क्या खाएं क्या ना खाएं। सर ने हमें खुद ही खिलाया था, जो खुद खाया था वो हमें खिलाया था। सर ने बहुत बढ़िया खाना खिलाया हमें, सही जिंदगी भर याद करेंगे कि सर ने हमें अपने हाथों से परोस के खाना खिलाया, हमारे हाथ भी धुलवाए कि चलिए रामी सर चलिए अंकल हाथ धुलवा था हमें। अच्छा हाथ धुलवाए उन्होंने? हाथ भी धुलवा। अच्छा क्या क्या खा कर गए, मतलब आपको लगा कि अब मैंने एक चीज मुझे ये बताइए कि जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद आपको उम्मीद थी कि आपकी मुलाकात होगी कभी राहुल गांधी से, क्योंकि वो दिल में इच्छा थी मिलने की, ये पता नहीं था मिल पाऊंगा या नहीं। जैसे सबरी ने, जैसे सबरी वन में रहती थी तो वो राम की केवल राह देखती थी कि आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, इसकी उसकी यही रटना, आएंगे तो इसी रास्ते निकलेंगे, जब आएंगे तो इसी रास्ते निकलेंगे तो मेरा मिलन तो मैं धन्य हो ही जाऊंगी। तो वो एक दिन आई गई, ऐसे ही मेरी पुकार हो गई। जब मेरी सच्ची ईमानदारी की ये कहानी थी तो मेरी सीधी डायरेक्ट पहुंची, एक आवाज़ नहीं। वैसे लोग इंटरव्यू देते हैं, कुछ कोई कुछ करते हैं कोई कुछ करते हैं, मगर इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते। मेरी सीधी ये कहते हैं हाय बुरी गरीब थी स्वर्ग लोक तक जाए, यानी जब जो गांव देहात में कहते हैं हाय बुरी गरीब थी और स्वर्ग लोक तक जाए, यानी अगर इंसाफ की थी मेरी तो डायरेक्ट ही स्वर्ग लोक पहुंची, यानी ऊपर का तो स्वर्ग मैंने अभी देखा नहीं है, यहाँ के हुक्मरानों का मैंने वो देखा देखा है।
अच्छा, तो आपसे और कोई बातचीत आप से क्या बात हुई? राहुल गांधी जी ने क्या पूछा आपसे? हाल चाल पूछा, फिर हम सभी आप कैसे हैं? मैंने कहा आपको देख के मेरी सब बीमारी कट गई, अब मैं बहुत अच्छा हूँ। और क्या ही? मैंने कहा मैं बहुत अच्छा हूँ, अब क्या मेरी आधी बीमारी कट गई? आपको पा लिया, आपको देख लिया, और इससे बड़ा क्या सौभाग्य है मेरा। एक चीज है, राहुल गांधी जिससे मिलते हैं बहुत, यानी पूरे मन तन मन धन से सब चीज से मिलते हैं, वो दिल से ही नहीं पूरे जिस्म से ही मिलते हैं। इस दुनिया में अगर वो नहीं हो तो 50% गरीब मर जाएगा, 50% गरीब मर जाएगा। बहुत दर्द देखते हैं, बहुत दर्द देखते हैं। और मैंने जो देखा है वही कहूंगा, ना ही किसी के दबाव में, ना ही किसी के लगाव में मेरा कोई सर काटता हो, मैं अपने आसानी से कटवा लूंगा खुद कह के। और मैं बेझिझक कहता हूँ, जो भी कहता हूँ बेझिझक और ईमानदारी के साथ कहता हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा और ईमानदारी के साथ। कोई भी, चाहे ABP, चाहे आज तक, चाहे कोई भी चैनल वाला आए, किसी का नाम मत लीजिए, नहीं नहीं मैं मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं। और कोई मेरी मृत्यु आज हो चाहे कल हो, मैं जो बात कहूंगा वही कहूंगा। अच्छा, अभी जो है, अब ये है कि ठेला वेला अभी लगा रहे हैं आप? अब हाँ, आज नहीं लगाया आपने? आज हमने 15 अगस्त मनाया है, आज हमारा देश आज आ गया है, तो हम भी शायद गरीबी से आज़ाद हो सकते हैं। हमें आज खुशी है राहुल सर से मिलके, शायद हम आज ये बंधन टूट के आज़ाद हो थोड़ा हमारे। आपकी टूटेगा क्यों? क्योंकि हाँ, अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो हमने देखा कि हमेशा उन्होंने सबकी मदद की है। उम्मीद है कि क्या करेंगे वो तो आपको पता चलेगा, वो जानेंगे, बाकी कोई दुनिया नहीं जानेगा। सारे इंतजार है, हमारे घर में भी ये खुशहाली कभी आ सकती है। उम्मीद है कि अगर ऐसा दर्द सुना तो खुशहाली आ सकती है मेरे। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर मान लो अभी चुनाव है अगले साल, मान लो प्रचार चार्ज के लिए बुलाए कि चलिए आइए रामेश्वर जी, ईमानदारी का प्रचार करूंगा, धर्म ईमान का, धर्म युद्ध की लड़ाई, धर्म युद्ध। अगर समझने वाले चाहते हो, जैसे मेरे जैसे गरीब अगर हैं, अगर मेरा दर्द देख के वो डिसाइड करते हैं कि ये सही बात है, तो गरीब मोर्चा किसी से कम नहीं होता। यानी गरीब ही बड़ों को कंधों पर बिठाता है, और अगर गरीब के कंधे तोड़ दोगे तो वो बैठाने लायक नहीं रहेगा। अगर गरीब के कंधे तोड़ दोगे तो गरीब बैठाने लायक नहीं रहेगा। गरीब के कंधे मजबूत करोगे तो हमेशा कंधों पे बैठाएगा। अच्छा, एक चीज हमको ये बताइए कि आप यूपी के कासगंज के रहने वाले? हाँ, कासगंज के पास गांव है, वही हाँ ऐसे ही वही मान लो 2-4 किलोमीटर इधर उधर। कब आए थे आप वहां से यहाँ दिल्ली, और क्यों आना पड़ा वहां से? सर वहां भी मेरा गुजारा नहीं था गाँव में, क्योंकि जमीन थी नहीं मेरे पास, मजदूरी करता था, 4-5 बच्चे, माँ, घरवाली, तो अकेला आदमी, अकेले इंसान के ऊपर भार, तो फिर तो वहाँ बच्चे पढ़ाने लिखाने, माँ एक्सपायर हो गई, तो उसका जो भी अंतिम संस्कार जो भी बना, मैंने अपना उल्टा सीधा कर दिया, उसका दाह संस्कार कर दिया। उसके बाद मेरी भैंसें थीं, तो मेरी भैंसें, यानी कहने का मतलब ये खत्म, मेरी किस्मत में ही धोखा था, तो भैंसें मेरी खत्म होती गई, तो घर वाले वहाँ भी तंग हो गए, तो मैंने कहा मैं यहाँ इतना पैदा कर लेता हूँ कि परिवार को, या मैंने कहा स्कूलों में फीस नहीं लगेगी, जो सरकारी स्कूल हैं उनमें फीस नहीं लगेगी, तो इस गरज से मैंने अपने बच्चों को यहाँ बुला लिया, तो मैंने एडमिशन कराई बच्चों के। घर वाली भी थोड़ा बहुत मुझे सहारा देने लगी, यहाँ घर पर कुछ काम आ गया, 50 का 40 का 10 का 20 का, यानी वो भी कर दी, और मैं भी अपने लगन से, तो मेरे परिवार का गुजारा होता रहा। अच्छा, अब जो आप राहुल गांधी से तो मिलाए, अभी उन्होंने, उनके लोगों ने कुछ कहा, या उन्होंने कुछ कहा काहे के बारे में? कुछ मदद के लिए कोई? हाँ, मदद के लिए कहा था। अच्छा, राहुल जी ने खुद कहा? राहुल जी ने खुद कहा था। अच्छा, कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा आप जो चाहें वो उचित मदद कर सकते हैं। और फिर मैंने ये भी कहा, मदद क्या, मेरे बच्चों को आजीवन छत देखने को मिलेगी या ना मिलेगी, अगर देना चाहते हैं तो मुझे एक छोटी सी छत दे। अच्छा, बहुत बड़ा आग्रह होगा तो बच्चों का आतियाना बन जाएगा, मैं भी जिंदगी भर जीऊँगा जब तक नाम लेता रहूँगा, और बच्चे तो अगर असली बच्चे होंगे तो जिंदगी भर क्या उम्र भर उस नाम की माला ही जपते रहे।
तो उन्होंने कहा है कि मकान की व्यवस्था करा सकते हैं, छत की व्यवस्था, बोल तो दिया है। अच्छा, सरकार भी दे रही, उस वाले में नहीं आपने कुछ? वो हमें कुछ, हमारी कुछ सुनवाई नहीं हुई उसमें, हमें कोई कुछ नहीं। अच्छा, क्योंकि 2.5 लाख रुपया शहर वालों के लिए और 1.25 लाख रुपए के आसपास गांव वालों के लिए, हमें तो सवागित चलती है 1.25 रुपया भी। अच्छा, आपको नहीं मिला गैस सिलेंडर वगैरह? हमें सिलेंडर मिला था, सिलेंडर लिया था, मिला था तो हमने ले लिया। अच्छा अच्छा, जो लाभ मिलेगा मान लो कि दीदी, तो भी तो हम लेंगे। अब जबरदस्ती तो है नहीं, आप हमको दें या ना दें। अच्छा, जो अभी जो राशन मिल रहा है वो ले रहे हैं आप राशन? हाँ, मिलता है, जो जितना देता है उतना ले आते हैं दुकानदार, राशन वाला कभी कह देता है इसका नाम कट गया है, कभी कह देता है उसका नाम कट गया है, जो भी 5 किलो 6 किलो 7 किलो देता है उसको ले आते हैं, या बहस करने के नहीं। अब उससे कहते हैं नाम कहाँ कटा है कहाँ चढ़ा है, तो हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, जो गांव जाए 1000 रुपये करके किसका कहाँ चढ़वाना है किसका क्या करना है, झंझट में ही नहीं पड़ते, इसलिए किसी से कहते ही नहीं, कहते जो मिल जाता है वही आराम से रख लेते हैं। अच्छा, राहुल जी से आपने मोदी जी के बारे में कुछ बात नहीं की? नहीं, मैं क्या करता और क्यों करता, मैं बस बताओ भला, मैं तो केवल उन ना ही उनसे मुझे कोई, उनसे भी लाड़ है मुझे, मैं कहूँ ये कहूँ कि वो मेरे वो हैं, वो भी मेरे मित्र हैं, सखा हैं वो भी मेरे। हाँ, देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो सबके मुखिया हैं, सबके मुखिया हैं, मेरे भी मुखिया हैं। हाँ, मेरी गरीबी की तरफ, गरीबों की तरफ न जाने क्यों नहीं देखा, शायद मन रोशनी ना पहुंच पाती हो, हो सकता है सब तक नजर नहीं, सरकार तो बहुत कुछ करती है लेकिन पहुंच सब तक नहीं पहुंच, शायद जानबूझ कर नजर नहीं पहुंची या पहुंचाई नहीं। अच्छा, 10 साल हो गए भाई मुझे झेलते झेलते, तो कभी जब मैं कभी सर पटकता हूँ तो कभी तो भ्रमण के लिए, जैसे राहुल सर है अपने, जैसे नारद मुन भ्रमण के लिए निकलते थे, कौन दुखी है, किसकी चिंता, किसकी हरना, किसकी धरना, किसका खाना, किसका पीना करते हैं, तो राहुल जी तो ऐसे जैसे मंजलोक की तरह देश में निकलते हैं, तो किसका सर, किसका खेतों में जाते हैं, किसका क्या करते हैं, किसके घरों में जाते हैं, कोई खाना खा रहा है कि सब्जी से खा रहा है कि नमक से खा रहा है कि रोटी खाली खा रहा है, वो तो ये तो देखते हैं, तो इनको भी खुद नहीं देखें तो किसी को देखने को भेजने के लिए। अच्छा, आपके साथ उन्होंने एक वीडियो भी बनाया और वो माइक लगा करके आपके साथ, माइक लगा करके साथ बैठ के बात की है, हमने ऐसे बैठ के बात की है, बात जैसे हमसे बात कर रहे हैं, बाप और बेटे बात करते हैं ऐसे की है। अच्छा, बिल्कुल बाप और बेटे करते हैं और दिल से दिल लगा कर ही किया, और उन्होंने ये नहीं कहा ये इतना फटा है या टूटा है, मुझे तो बिल्कुल ऐसे लगाया जैसे हकीकत कृष्ण जी ने लगाया था सुदामा को, मुझे उसी तरीके से गले लगाया। गाड़ी आपको लेने आई थी तो उसके बाद छोड़ने भी आई यहाँ तक गाड़ी? हाँ, छोड़ने भी आई थी, घर तक छोड़ने आई थी, और बकायदे ले गई थी और बकायदे छोड़ दी, मेरा चश्मा रह गया था वहाँ, राहुल सर ने मेरी फिक्र, मेरा वहां चश्मा रह गया था, ये यहीं कहीं पड़ा होगा, ये चश्मा पहुंचवाया, इस चश्मे की कीमत हद से 100 या 110 रुपए है, अब पहुंचाने वाले को कम से कम यहां तक अगर गाड़ी से आया होगा तो कम से कम 700-800 रुपए का खर्चा, और अगर बस यात्रा या किसी से आया होगा फिर भी 100 का नोट एक खर्च होगा, मगर उन्होंने अपना नुकसान इतना झेला और मेरा बेकार भी हो चुका है चश्मा मेरा, मगर मेरा चश्मा मिल जाया। अच्छा, अगर वो मकान के लिए जैसे कहते हैं आपको, मकान के लिए देने के लिए कहते हैं और व्यवस्था होती है तो आप दिल्ली में लेंगे या घर में लेंगे? अब इससे बड़ा सौभाग्य मेरा कहाँ होगा, वो जहाँ जहाँ देंगे, खेत में देंगे, जंगल में, जहाँ देंगे, और मैं तो बस क्योंकि आप, क्योंकि रोजगार तो आपका यहाँ है दिल्ली, रोजगार में। क्या रोजगार, बच्चे उधर कर दूंगा फिर मैं इधर रोजगार कर, जहाँ जो कराएंगे वो कर लूंगा मैं, मगर इतना हो जाए तो और अच्छा है, यही मेरी रिक्वेस्ट है। पिछली बार, इस बार तो फिर से अगले साल चुनाव है, पिछली बार आप वोट वोट देते हैं आप लोग? नहीं देते हैं। हाँ, क्यों नहीं देते हैं, वोट देते हैं, वोट देने के लिए है, और सभी मित्र हैं, वो तो दिल करता है उसको भी, मैं ये नहीं कहता कि इसको तो उसको, जो दिल करता है आपका मतदान। पिछली बार कौन अच्छा लगा आपको? मेरे लिए तो मैंने अपनी अच्छाई बता दी आपको, मैंने तो अपनी अच्छाई बता दी, मुझे कौन अच्छा लगता है, मुझे तो बस यानी मेरे लिए तो मुझे तो वही अच्छा, आपको जैसे कोई अच्छे लगते हो, अच्छे तो मुझे सभी लगते हैं, आप भी अच्छे लगते हैं, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी अच्छे लगते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं मुझे, अच्छे वो भी लगते हैं, मैं ये नहीं कहता अच्छे नहीं लगते, मगर राहुल डॉक्टर मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, राहुल डॉक्टर मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो नस नस का दर्द का जायजा लेते हैं।
अब आपको उम्मीद है, आप मुलाकात करने के बाद जो है अब आपको उम्मीद है कि जो अब कुछ टलेगी, क्योंकि बहुत मदद की है उन्होंने बहुत लोगों। उम्मीद तो मैं पूरी लगाए बैठा हूँ, देखो साल टल जाए, और किस्मत में अगर नहीं टलने की होगी तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। आपके बच्चे क्या 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 कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं कुछ? हाँ, छोटा लड़का पढ़ रहा है, और जो पढ़ने वाला था लड़का वो कबाड़ का काम कर रहा है। अच्छा, और जो आपके साथ सब्जी में ठेले में जाता है वो छोटा वाला है बड़ा वाला? छोटा वाला है, वो छोटा वाला है। पढ़ता है वो अभी? हाँ वो पढ़ता है, पढ़ता है वो सब, इसलिए साथ इसलिए चला जाता है कि पीछे से लोग सामान उठा लेते हैं तो वो देखता रहता है। अगर मेरा एक भी सामान, एक दिन उठ गया था सामान, आप यकीन नहीं मानेंगे कि झूठ बोलता होगा या सच बोलता होगा, डेढ़ दिन खाना नहीं खाया था मैंने, जिस दिन बेचने गया था पूरे दिन, उस दिन शाम तक नहीं खाया था मैंने। राहुल गांधी जी ने तो बुला लिया, राहुल गांधी जी से मुलाकात हो गई, मोदी जी अगर बुलाएंगे तो जाएंगे मोदी जी के पास मिलने? वो बहुत बड़े आदमी, वो मुझे कहाँ बुलाएंगे, वो मुझे मुझ जैसे गरीब को कभी नहीं बुलाएंगे। उम्मीद नहीं है मुझे, क्या उम्मीद करूँ, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं अनपढ़ आदमी को बोलूँ साल बोलूँ, और अगर बुलाएंगे तो जाएंगे आप? बुलाएंगे तो मैं बात कर लूँगा, बात करने में क्या दिक्कत है मुझे, सही है सबके पास बात करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बुलाएंगे अगर बुलाएंगे तो मैं चला जाऊँगा भाई, मिल लूँगा। अगर मोदी जी ये वीडियो देखें तो उसके बाद मैं चाहूँगा कि एक बार बात तो करें, कम से कम बुलाने की तो बात उनकी इच्छा के ऊपर है। कुछ और बताइए, और क्या कहना चाहेंगे, कुछ जो है सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि मेरी सरकार से कोई अपील नहीं है, मेरी सरकार से बस राहुल ने मुझे देख लिया, मेरी गरीबी पहचानी, बड में मेरी गरीबी की पहचान बताई कि हाँ इस तरीके से गरीब जीते हैं, इस तरीके से गरीब खाते हैं, इस तरीके से नहीं होता तो भूखे सो जाते हैं, मेरी पहचान कराई है गरीबी की, गरीब और गरीब भी जागते हैं कि हाँ वाकई में हमसे भी ज़्यादा गरीब पड़े हुए हैं। अब तो लोग मीडिया भी आ रही है, अब आप काफ़ी फेमस हो गए, पूरे दुनिया ने आपको देख लिया है, तो रामेश्वर नाम का एक व्यक्ति, मेरी ईमानदारी देखी है, अगर मेरे अंदर भी कोई चालू होता अंदर जाओ बाहर जाओ, मेरे अंदर वो मीडिया वाले हैं सीधे चले आते हैं, हाँ चले आते हैं, कोई डर खौफ कोई वो वाला हिसाब किताब नहीं है। मोहल्ले वाले कुछ कह रहे हैं कि जो है, मोहल्ले वाले तो ये कहते हैं इस गरीब के पास क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, अच्छे अच्छे करोड़पतियों के पास क्यों नहीं जा रहे हैं, इसके पास, इस फटीचर के पास क्यों आ रहे हैं, इस फटीचर के पास क्यों आ रहे हैं। पहली बार जब ये आपको पता चला कि राहुल गांधी ने बुलाया तो आप क्या कर रहे थे और क्या उसके बाद क्या सोच रहे? जब मेरा पहली बार मुझे मंडी में जो लल्लन टॉप वाले पत्रकार जी भानु जी मिले थे मुझे, तो मुझे इतना कोई विश्वास नहीं था, मैंने कहा ये तो चलते फिरते हैं ऐसे ही ले जाते हैं और ये कहीं नहीं कुछ नहीं होना जाना है, ऐसे मेरे जैसे गरीबों के अगर होने लगे तो बन गया काम, मुझे नहीं पता था, मगर मैं क्या करूं, मेरा भाग्य या जनता का प्यार या जनता जैसे जनता का कितना बड़ा मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, आज कितने लोग मुझे वो कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि हाँ वाकई में तो मैं कितना सौभाग्य वाला हूँ, मैं तो इससे ज़्यादा क्या कहूँगा, और कहने के लिए मेरे पास बचा ही क्या है, मैं तो गरीबी में हंसता रहा हूँ और अपने पेट भर गया फिर भी हंसना और गरीबी है फिर भी हंसना। तो ये थे हमारे साथ रामेश्वर जी, जिन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है, राहुल गांधी ने बकायदा इनको बुलाया था और इनसे पूरी बातचीत की है, इनकी गरीबी का हाल जाना है और इनकी समस्याएं भी सुनी, और इनका ये कहना है कि आने वाले समय में जिस तरह से राहुल गांधी ने उनकी बात सुनी है और गरीबों के लिए जिस तरह के उनके विचार हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और क्रांतिकारी, अब देखना है इन सारी परिस्थितियों का, जिस तरह से इमेज बिल्डिंग की बातें हो रही हैं और जो इमेज बिल्डिंग राहुल गांधी ने जिस तरह का स्टेप लिया है उसकी भी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन इसका क्या साल 2024 में होने वाले चुनाव में कोई लाभ मिलेगा या ऐसे ही चलने वाला है। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी, जहांगीरपुरी।